नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लिविंग में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जेरेनियम केयर के बारे में। इसकी केयर हम लोग किस तरीके से करें कि हमारा जो ये प्लांट है जेरेनियम का, ये बचा रह जाए गर्मी भर और इससे हम लोग फिर से नेक्स्ट सीज़न में भी इससे हम लोग फ्लावरिंग ले सकें। उसके पहले मैं आपको दोस्तों मेरे गार्डन में इस समय खिले हुए कुछ फूल दिखा रही हूँ। खिले तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको बहुत थोड़े से देखिए गुड़हल दिखा रही हूँ। तो देखिए, जो जेरेनियम का प्लांट होता है, ये एक प्लांट जो है वो तो पेरेनियल प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो सितंबर से शुरू हो जाती है। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 12 अप्रैल, 12 अप्रैल है और मेरे जेरेनियम के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सुंदर सुंदर से इसके कलर और भी आते हैं, रेड वाइट और भी कलर आते हैं। मेरे पास तो यही इकलौता प्लांट है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, यही वाला है बस। तो मैंने तो इसको ख़रीद के लगाया था। वैसे ये सीड से भी लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है और कटिंग से मार्च में ये ज़्यादा अच्छी तरीके से लगता है। इसके बाद या तो फिर लगता है ये जाके उधर सितंबर अक्टूबर में। और चलिए अब हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए तो ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। कुछ प्लांट मैंने अपने बहुत सारे, तो इस समय मेरे पास ग्रीन नेट की कमी थी, प्लांट ज़्यादा थे तो मैंने कुछ तो इधर चादर के नीचे रख दिया है। और ये देखिए किस तरीके से उड़ रही है, बेकार चादर थी तो उसी के नीचे मैंने रख रखे हैं। तो लाइट की बात करें तो ये है कि विंटर में तो बिल्कुल फुल सन लाइट में आप रखिए, ठीक है। और फरवरी जब आने लगे तो थोड़ा थोड़ा जैसे गर्म मौसम होने लगे फिर इसको आप ऐसे लाइट में रखिए, मतलब फुल डे की सनलाइट में मत रखिए। धीरे धीरे इसकी जो हीट है ना सनलाइट की, उसको थोड़ा थोड़ा कम करिए। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है और यहाँ पे क्या है कि मॉर्निंग वाली साइड से जैसे सनलाइट आती है, सुबह की एक दो घंटे की आती है, ठीक है। और ये अपना उसी में ही ब्लूम कर रहा है। इस समय भी देखिए जैसे कि ये नीचे ही रखा हुआ है और इस पर फ्लावरिंग हो रही है। तो गर्मी में आप इसी तरीके से रखिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग चलिए बात करते हैं वाटर के बारे में, क्योंकि इस प्लांट की केयर टिप्स बहुत ऐसी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको मतलब जो ये प्लांट ख़राब होता है तो वो सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से। इसकी जो रूट्स होती हैं ना वो बहुत महीन महीन सी होती हैं, तो आप इसके मतलब इसमें पानी आप तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी आपको हल्की सी ऊपर से सूखी लगे, ड्राई सी लगे, तभी आप पानी दीजिए। तो अब क्या हम लोग केयर करेंगे, आप ये देखिए जैसे इस तरीके से पुराने पुराने पत्ते नीचे हो गए हैं, ये ओल्ड हो जाते हैं इसलिए ये पुराने हो गए, पीले हो गए, तो इनको हम हटाते रहें। इतना ये प्लांट की जो बनावट होती है वो होती है ऐसे बुशी होती ही है ये, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा नीचे से इसको साफ करते रहें जिससे कि इसमें फंगस नहीं लगे। गर्मियों में हम लोग सारे प्लांट को एक जगह जमा के रख देते हैं कि बहुत थोड़ा सा एक दूसरे से ही प्लांट को एक दूसरे की ह्यूमिडिटी मिलती रहे और ये अपना चलते रहें। बहुत गर्मी होती है हमारे यहाँ लखनऊ में, बहुत लू चलती है मई जून में तो बहुत ज़्यादा। तो क्या है कि बरसात के टाइम का जो वाटर होता है आप उस समय इसको बचा लें। अगर पानी जैसे बहुत सारा पानी बरस रहा है, मैंने आपको बताया कि पानी ही एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो गई तो यह प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आप अभी तो आपने जैसे गर्मी भर तो इसको ग्रीन नेट के नीचे रख दिया और इसको आपने मॉर्निंग वाली या फिर शाम वाली सनलाइट दे दी, ठीक है। मान लीजिए आपके यहाँ मॉर्निंग वाला कुछ इस तरीके का घर बना हुआ है कि मॉर्निंग वाली नहीं आती तो शाम वाली जैसे आती है तो आप उसमें रख दीजिए हल्की जो सनलाइट हो। लेकिन पानी की जब बात आती है ना तो आप इसको फिर बरसात के टाइम में इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, इस पर बारिश का पानी नहीं गिरे। अगर इसके पे बारिश का पानी गिरेगा तो इस तरीके से पूरे पत्ते भी सड़ेंगे और फिर ये रूट रॉट हो जाएगा, ये प्लांट फिर नहीं बच पाएगा, इस पर पानी भर जाएगा। आप बिल्कुल वेलड्रेन इसकी मिट्टी तैयार करिए, वेलड्रेन पॉट रखिए, मिट्टी जो है ऐसी हो कि मतलब उसमें आपका सैंड जरूर मिक्स हो और अच्छे से कंपोस्ट आप मिक्स करके, मतलब हाफ तीनों इक्वल क्वांटिटी में सैंड, मिट्टी और खाद, इसको अपना मिक्स करके आप लगा लीजिए। तो
ये मिट्टी ऐसी हो कि उसमें पानी जैसे कि ना रुके नहीं, इस तरीके का हो, बिल्कुल वेड्रेन पोरस मिट्टी हो, लोमी सॉइल हो, ठीक है। और बस इस तरीके से, अब जैसे ये सारे फूल ना फेड हो जाएं तो इनको पूरा कट कर दीजिए, क्योंकि इसमें रहने नहीं दीजिए, इसमें छोड़िए नहीं। फिर उसके बाद इसको कट करके और आप अपना रख दीजिए फर्टिलाइज़र, जब इसका फ्लावरिंग सीज़न है, जैसे इसमें जब फूल आने का है, फिर आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए। और जब विंटर के टाइम में तो मैं इसमें मस्टर्ड केक और अपना यही सब देती रही थी, और आजकल तो मैं जैसे जो भी मैं सब्जियों के छिलके का बना रही हूँ, मैंने अभी उसका एक वीडियो भी बनाया था, घर के बिल्कुल किचन वेस्ट जो सब्जियों के छिलके होते हैं उसका ही मैं दे देती हूँ, और कोई चीज़ की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। बनाना पील का होता है वो मैं दे देती हूँ। तो इसी तरीके से बस बहुत ज़्यादा इसको कोई अब फर्टिलाइज़र नहीं दीजिएगा, एक बार जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए फिर इसको आप रख दीजिए, फिर कोई फर्टिलाइज़र की इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसमें जैसे ना कोई किसी प्रकार का पेस्ट हो या कुछ हो, एक बार इसमें एक कीड़ा लगा था, बिल्कुल बड़ा सा था, वो पत्ते खाने वाला था, वो इतना बुशी प्लांट के वाला रहता है कि इसके अंदर से था। एक बार मैंने इस पर स्प्रे किया था, वो मिर्ची के मैंने पानी बनाया था, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिएगा या फिर शैम्पू वाले पानी का बना करके, मतलब 1 लीटर पानी में थोड़ा सा हल्का सा शैम्पू डाल के स्प्रे कर लीजिए अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है। उसके बाद मैंने बस एक बार इसमें एक कीड़ा देखा था, उसके मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया था, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट किया था, फिर उसके बाद से इसमें कोई भी ऐसा पेस्ट या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखी। तो मैंने इसी तरीके से केयर की है, और सनलाइट का मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए बस, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करेगा। और दोस्तों इस समय देखिए अर्डेनियम कितना खिल रहा है, और इसमें भी मैंने वही आपको बताया था इसका जब वीडियो बनाया था कि मैंने किचन वेस्ट जो वाटर था सब्जियों के छिलके हल्के का वो दिया था, और सीवीड दिया था इसमें, सीवीड एंजाइम दिया था। और आप देखिए कितना छोटे छोटे से पॉट हैं और सब में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसको तो दोस्तों मैंने बिल्कुल सनलाइट में रखा हुआ है, क्योंकि अर्डेनियम तो जो है वो सनलाइट में ही अच्छा ग्रो करता है। तो चलिए, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करेगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, बाय, थैंक यू।